गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म ये एक्सरसाइज ए करेंगे। पेज नंबर 153 है ये एक्सरसाइज। देखो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच, ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें देखो ये द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नियर, इसमें आ जाएगा सी द ज्योग्राफिक साउथ पोल। जो अर्थ मैग्नेट, जो अर्थ को हम मैग्नेट की तरह मानते हैं जब हम, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर होता है। इसमें सी आएगा इसका पोल। और सेकंड देखो ये देयर इज रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन मतलब धक्का देते हैं एक दूसरे को। ये देन इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, बोथ ऑफ देम आर मैग्नेट, ये दोनों के दोनों क्या है, ये मैग्नेट है, क्योंकि इनके सेम पोल जब आमने सामने आते हैं तो रिपेल करते हैं ये। इसका मतलब ये है, ये आपस में, ये बोथ ऑफ देम आर मैग्नेट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बी। थर्ड देखो अब ये व्हाट डज ए मैग्नेट रिपेल, व्हाट डज ए मैग्नेट रिपेल, इसका आ जाएगा सी द सेम पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। जब सेम पोल होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा इसका। ये फोर्थ देखो अब ये व्हाट हैपेंस इफ यू कट ए मैग्नेट इन हाफ, जब क्या होता है अगर आप एक मैग्नेट को बीच में से काट देते हैं, बिल्कुल हाफ हाफ कर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो ये यू गेट टू मैग्नेट्स ईच विद ए नॉर्थ एंड ए साउथ पोल। तो हमें जो मैग्नेट मिलते हैं, दो मैग्नेट मिलते हैं, उनके अंदर भी एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है दोनों में उनमें, इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। इसमें अगला देखो ये फिफ्थ व्हाई डज ए कंपास पॉइंट नॉर्थवर्ड, तो कंपास जो होता है वो नॉर्थ की तरफ क्यों डायरेक्टेड होता है, मतलब उसका जो पॉइंट जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, क्यों होता है वो, इसमें क्या इसका देखो ये इसमें डी ऑप्शन आएगा अर्थ मैग्नेट नॉर्थ पोल इज लोकेटेड नियर अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ पोल, अर्थ जो है हमारी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर होता है, इसलिए क्या होता है इसका ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा इसका ऑप्शन। सी देखो अभी ये एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है कैन बी मेड बाय, इसका ऑप्शन आएगा बी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द आयरन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है, आयरन ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके, मतलब उसमें से गुजार करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। अब देखो सेवन इसका ऑप्शन सिक्स आएगा बी, ठीक है। सेवन देखो ये इन ए मैग्नेट द मैग्नेटिक पुल इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल, मैग्नेट जो होता है जो सबसे ज्यादा जो उसके अंदर जो खींचने की क्षमता होती है, अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, वो पोल के ऊपर होती है, इसमें क्या आ जाएगा एट द पोल ए ऑप्शन आएगा इसका। ये एट देखो ये ए लाइव वायर इज हिडन इन ए वॉल, एक लाइव वायर जिसमें करंट पास हो रहा है वो एक दीवार के अंदर छुपी हुई है वो, ठीक है। Its position can be located with the help of A. उसकी पोजिशन को कैसे पता लगाया जा सकता है, इसका ऑप्शन आएगा B. Compass needle. With the help of compass needle. Compass needle से हम उसका पता लगा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन B आएगा। अब देखो नाइन्थ देखो ये In case of bar magnet, magnetic field lines. Bar magnet होता है उसकी जो magnetic field lines होती हैं स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, मैग्नेट जो होता है उसकी लाइन्स ऑफ फोर्स होती है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर जाकर के खत्म हो जाती हैं वो, तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। टेंथ देखो अब ये व्हाट डज द मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज काज, इसमें जाएगा ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है ये, ठीक है, इसका आ जाएगा सी। इलेवंथ देखो अब ये व्हाट हैपेंस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विद मैग्नेटिक फील्ड्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, व्हाट हैपेंस क्या होता है जब टू ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं, क्या होता है
क्या होता है उनमें, ए मैग्नेटिक फोर्स आइदर का अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो उनमें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है तो उसको रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर सेम पोल आमने सामने आएंगे तो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट पोल आमने सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन आएगा इसका ए। इसका 12th देखोगे, फोर आइटम्स आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, फोर आइटम्स हैं वो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए मैग्नेट, एक मैग्नेट से सेम डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द इजिएस्ट फॉर द मैग्नेटिक टू पुल, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सबसे आसानी से खींचा जा सकता, अट्रैक्ट होता है मतलब पुल होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, सी आएगा। बुक में देखेंगे आप सी, ए 3 ग्राम स्टील पेपर क्लिप, वो सबसे ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट हो सकती है। इनके ऑप्शन आप बुक में देखेंगे सबके। थैंक यू।